हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक माइंड ब्लोइंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो इंस्पायर्ड है फ्रॉम माय सीरीज डार्क सीक्रेट्स ऑफ कैमरला पिवोट्स। कैमरला पिवोट्स में आज भी जानता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर्स उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द पावर दैट द कैमरला पिवोट्स हैव। तो इस एपिसोड को देखकर आपका जो परसेप्शन है, आपका जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स कैमरल पिवोट, वो डेफिनेटली आज के बाद चेंज हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही मिनिमम होगा, अफोर्डेबल होगा एंड यू आर हिटिंग फॉर मैसिव प्रॉफिट टारगेट्स। ये एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में इफ यू प्लेस द ट्रेड, यू कैन स्टे कॉन्फिडेंटली इन द ट्रेड अंटिल द एंड ऑफ द डे। बहुत रेयरली ऐसे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं डेफिनेटली इंडेक्स एज वेल एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो ये एक स्ट्रैटेजी जो है वो आपको हाई कन्विक्शन के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। आज तक जो भी रिसर्च, जो भी पैटर्न्स और स्ट्रैटेजीज मैंने क्रिएट की है, आई डेडिकेटेड एटलीस्ट लास्ट 5 years ऑफ माई लाइफ towards you know कैमरला पिवोट्स एंड आई हैव बीन रिसर्चिंग डे एंड नाइट ऑन कैमरला पिवोट्स। और जो भी पैटर्न हमने क्रिएट किए हैं दे आर ट्रूली इंस्पायरिंग एंड हैज बीन अ मैसिव सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल माई इंट्राडे ट्रेडर्स एज वेल एज स्विंग ट्रेडर्स। द मैजिक कैमरला कैन डू ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स इज रियली माइंड वॉबलिंग। आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हो, यू कैन डू यू नो स्विंग ट्रेड्स एंड इवन पोजिशनल एज वेल एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कैमरला पिवोट्स, ओनली कैमरला पिवोट्स को देखकर यू कैन इजीली क्रिएट ऑल दो स्ट्रैटेजीज एंड पैटर्न्स। तो ये ऐसी छोटी सी झलक आपको कैमरला पिवोट्स कितना एम्पावरिंग है वो आपको इस वीडियो में डेफिनेटली पता चलेगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑल थ्रू आउट दिस वीडियो। एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, चार कंडीशंस मेट होनी जरूरी है फॉर योर ट्रेड टू बी ट्रिगर्ड। चारों कंडीशंस मेट होना इज मैंडेटरी, तब और तब ही आपकी एंट्री ट्रिगर होगी। और पैटर्न जो है वो काफी सिंपलिस्टिक है ऑन द चार्ट्स। I'm 100% certain that no book, no YouTuber, no platform has ever revealed such patterns to you. और ये एक छोटा सा sample है to give you a gist of how well you can create those patterns. और chart में exactly क्या देखना चाहिए, why are these never changing price principles and why are they super constant all throughout your trading journey. So let's get started with this one particular strategy. For people who are watching this video for the first time, please make sure that you subscribe to the channel. Do watch the series, free intraday trading webinar that is available on my channel. और ये video बनेगा part of my playlist जिसमें मैंने Virgin Camerala, Virgin CPR के ऊपर playlist बनाई है. I'll show you that playlist also by the end of the video. Back testing भी करेंगे, different time frames के ऊपर test करेंगे, different scripts के ऊपर test करेंगे. Video short रहेगा 10 से 15 minute का, but ये एक strategy आपके pocket में होना बहुत जरूरी है. बहुत ही successful trade का experience आपको मिलेगा if you implement this one particular strategy. So quickly let's get started. Again, charts के ऊपर मैंने almost you know तकरीबन 3 से 4 indicators plot किए गए हैं to give you a quick overview. सबसे पहला Nifty का time यहाँ पर chart लगा हुआ है. Time frame 15 minute की है. You can also go down to 10 minute time frame as well. Again, volume I have put in over here क्योंकि चार conditions met होने जरूरी है. Volume is one of that condition. उसी के साथ साथ आई हैव प्लॉटेड कैमरला पिवोट्स। ये डेली कैमरला पिवोट्स मैंने यहाँ पर प्लॉट किए हुए, नहीं वीकली नहीं है, मंथली नहीं है, ईयरली नहीं है, दीज आर डेली कैमरला पिवोट्स। जब भी आप इंट्राडे ट्रेड लेते हो, जब भी आप शॉर्ट स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेते हो, द वन कैमरा दैट यू हैव टू प्लॉट इज द इंट्राडे ट्रेडिंग कैमरला पिवोट। इंडिकेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज यूज दैट वन इंडिकेटर। बहुत ही यू नो वर्सेटाइल इंडिकेटर है। सारे ट्रेड्स, नो मैटर यू आर अ स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, सारे ट्रेड्स हर टाइम फ्रेम का कैमरला और सीपीआर कैन बी प्लॉटेड बाय यूजिंग दैट वन इंडिकेटर। सो लुक एट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कैमरला पिवोट्स मैंने यहाँ पर प्लॉट किए हैं। जो ऊपर का कैमरला है वो है कैमरला H3 और H4। अनडाउटेडली दिस इज द सेल जोन। यहाँ पर सेलिंग आना एक डेफिनेटली यू नो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है एंड इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिव बायस का खेल इन दो लेवल्स के बीच में प्ले आउट हुआ होता है। स्टॉक यूजुअली महंगा हो जाता है व्हेन इट गोज अवे फ्रॉम इट्स मेन वैल्यू। यहाँ पर जो मैंने प्लॉट किया है वो है सीपीआर। जब भी स्टॉक सीपीआर से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करता है, कैमरला H3 और H4 के आसपास वो यू नो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव और वहां पर आपको इनिशिएटिव सेलिंग आने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अगर H4 ब्रेकआउट होता है देन पीपल यूजुअली से बुकिश नॉलेज सेज कि इनिशिएटिव बायर्स आर एंटरिंग द मार्केट, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। आज का जो पैटर्न है वो काफी सिंपलिस्टिक है, स्ट्रैटेजी बहुत विजुअली
एंटाइसिंग है, बहुत ही इजीली आप इसको पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अलर्ट्स लगा सकते हो अ डे बिफोर एंड देन यू कैन टेक द ट्रेड्स द नेक्स्ट डे। ये स्ट्रेटजी लाइक एवरी अदर स्ट्रेटजी यू नो रिवील्ड ऑन माय यूट्यूब और माय ट्रेनिंग कोर्सेस, यू कैन अप्लाई इट ऑन एनी पॉसिबल स्क्रिप्ट, बिटकॉइन से लेके कमोडिटी से लेके इंडाइसेस से लेके फ्यूचर एंड ऑप्शंस, नो मैटर व्हाट इट इज, दीज आर सर्टनली undoubtedly the never changing price principle, super constant रहेगा, बहुत ही simplistic है, stay tuned with me। उसी के साथ साथ CPR के नीचे दो कैमरेला के levels है, that is one is L3 and one is L4, this is called as the buy zone, this is how you know I've set up my mindset that buying आनी है तो L3 L4 से ही आएगी और अगर selling आनी है तो H3 H4 से ही आएगी, so that doesn't change ever on no possible time frame। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आरटीपी को प्लॉट किया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सो 15 मिनट की आरटीपी है, इट्स जस्ट अ फैंसी लुकिंग आरटीपी, आपकी छोटी सी 20 एसएमए और 50 एसएमए इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट एज वेल, डजंट मेक एनी डिफरेंस। और ये यहाँ पर 200 एसएमए है और ये 20 एसएमए है और ये 50 एसएमए है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने ईएमए को प्लॉट किया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट डजंट मैटर, डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब इस पैटर्न में सबसे यूनिक चीज क्या है, अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखेंगे यू वुड रियलाइज कि 11th ऑफ ऑगस्ट का जो आपका कैमरेला प्लेसमेंट है जिसमें H3, H4, L3 एंड L4, ऑल ऑफ दिस कैमरा लेवल्स आर वर्जिन, नन ऑफ दिस कैमरा लेवल्स वर टेस्टेड। सो प्राइस ने 11th ऑफ ऑगस्ट को प्राइस गैप अप खुली है CPR के ऊपर, कैमरेला H3 H4 के ऊपर, सारे रेजिस्टेंस को अवॉइड करते हुए प्राइस हैज ओपन विद अ गैप अप और प्राइस ने इन कैमरेला लेवल्स को एक बार भी टच नहीं किया है। ये कैमरेला लेवल्स अलोंग विद द CPR, ये कंप्लीट बॉक्स, ये कंप्लीट ट्रेडिंग सेशन 11th ऑफ ऑगस्ट का हैज बीन वर्जिन इन नेचर, दैट्स द मोस्ट यूनिक थिंग। ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये है सबसे पहला कंडीशन दैट शुड बी मेट। पूरा का पूरा बॉक्स, पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेशन का जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो आपका बाय जोन H3 H4 एज वेल एज आपका सेल जोन H3 H4 बाय जोन L3 L4 हैज बीन नॉट टेस्टेड बाय द प्राइस, अनटच्ड बाय द प्राइस, और CPR भी अनटच्ड है। सो ऐसे पैटर्न्स और ऐसा एक सिंपल सा इंडिकेटर चार्टिंग में आप क्रिएट कर सकते हो, सारे लेवल्स वर्जिन होने चाहिए, अनटच्ड होने चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी को आप सारे स्क्रिप्ट्स के ऊपर, FNO के ऊपर, निफ्टी 500 के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, यू नो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यू कैन ट्रेड एंड ऑल ऑफ दीज आर रिपीटेटिव नो मैटर व्हाट। अब ये जो बॉक्स है ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन आपका मेट हो चुका है दैट दे आर वर्जिन इन नेचर। बैक टेस्टिंग भी करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है टू सी हाउ रिपीटेटिव दिस वन पर्टिकुलर पैटर्न इज। और अब क्या होता है, द नेक्स्ट दिन व्हाट हैपेंस इज प्राइस 12th ऑफ ऑगस्ट को ओपन होती है and it makes a massive red candle at 9:15। ये 15 मिनट का चार्ट है, मतलब 9:15 से लेके 9:30 तक एक मैसिव रेड कैंडल बनी है। जब भी एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है वो ब्रेकआउट नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल बेरिश ही होगी, कंटिन्यू होगा डिन टू बी बेरिश इन नेचर। बहुत जो मैसिव कैंडल्स होती है एट टाइम्स दे आर अ डेस्परेट कैंडल्स विच आर रीटेस्टिंग समथिंग, एक क्रिटिकल लेवल को, एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस को अगर टेस्ट करना है प्राइस को तो प्राइस एक मैसिव ग्रीन कैंडल क्रिएट करेगी, अगर एक क्रिटिकल सपोर्ट को टेस्ट करना है अगर प्राइस को तो प्राइस एक मैसिव रेड कैंडल को क्रिएट करेगी। सो रेड कैंडल से डरना नहीं है, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि क्रिटिकल सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद प्राइस विल रिवर्स ऑन द इन द अपवर्ड डायरेक्शंस। तो सबसे पहला कंडीशन था कि प्रीवियस डे का या प्रीवियस फ्यू डेज अगो का जो आपका कैमरेला का पूरा डे का इंट्राडे का जो सारे लेवल्स है कैमरेला के एज वेल एज द CPR इज वर्जिन इन नेचर। और अब सेकंड कंडीशन ये है कि प्राइस इन नेक्स्ट फ्यू डेज या फिर इमीडिएटली द नेक्स्ट डे प्राइस एक मैसिव रेड कैंडल बना के या फिर एक मैसिव मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ आकर इस वर्जिन बॉक्स को टेस्ट करती है, और सिर्फ टेस्ट नहीं करती है, टेस्ट करके एक कंफर्मिंग हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मैसिव रिवर्सल को डिपिक्ट करती है चार्ट्स के ऊपर। सो चार्ट्स खुद अपने आप को बोलना चाहिए कि आई एम गोइंग टू रिवर्स, और ये प्राइस दो तरीके से बात करेगी। ये हमारे दूसरे कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, दोनों ऑप्शनल है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं या दोनों में से एक कोई कंडीशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी। एक है प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन आपको कन्विंस करेगा दैट इट इज गोइंग टू रिवर्स। यहाँ पर प्राइस एक्शन ने आपको कंफर्म किया है बाय फॉर्मिंग अ लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न,
लेफ्ट है राइट है पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम डे इन डे आउट बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, फॉलो करते हैं और उसके ऊपर सारे ट्रेड्स लेते हैं। लेफ्ट है राइट है पैटर्न में आप देखोगे कि ये जो लेफ्ट साइड की कैंडल है दैट इज बेरिश इन नेचर, उसके बाद में जो नोज है बेसिकली दैट इज वो नीचे आकर लोअर लेवल्स को सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, इसका लो इज लोअर देन द लेफ्ट कैंडल एंड इवेंचुअली द राइट साइड की जो कैंडल है जो राइट आई है दैट इज डेफिनेटली गिविंग अ क्लोजिंग अबाउट द 9:15 का जो दिन का हाई है इस लेफ्ट आई के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। सो दैट्स हाउ इट क्रिएट्स टू आईज एंड अ नोज। सो नोज इज टेस्टिंग द लोज, लेफ्ट आई इज क्रिएटिंग अ लो और राइट आई जो है दैट इज यू नो गिविंग एन एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ पैटर्न बाय गोइंग अबाउट द लेफ्ट आई। सो क्लोजर जो होता है राइट साइड के आई का दैट इज अबाउट द लेफ्ट आई। सो दिस इज अ लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न, दिस इज हाउ अ मैसिव रिवर्सल इज बीन कंफर्म बाय अ कैंडलस्टिक पैटर्न। एंट्री लेट हो सकती है सो यू कैन गो ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, यू कैन ऑल्सो गो ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम, कोई चीज बदलेगी नहीं, एवरीथिंग विल रिमेन सुपर कॉन्स्टेंट। सेकेंड कंडीशन है कि आपको रिवर्सल कंफर्मेशन मिलना चाहिए थ्रू कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड कंडीशन है दैट यू शुड ऑल्सो सी अ वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू वुड सी क्या यहाँ पर एक मैसिव इनिशिएटिव बायर्स का एंट्री हुआ है एंड वॉल्यूम कैन नेवर लाई, आइदर वॉल्यूम और कैंडलस्टिक पैटर्न आइदर वन ऑफ द टू आपको डेफिनेटली कंफर्मेशन देगी कि अब रिवर्सल होने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देखो प्रोबेबिलिटी जो है इस पैटर्न की दैट इज मोर देन 90%। व्हेनेवर दी यू नो वर्जिन कंप्लीट येस्टरडे का इंट्राडे जोन टेस्ट होता है तब डेफिनेटली देर इज अ हाई 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 प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस इज गोइंग टू टेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस लेवल और प्राइस रिवर्स करने वाली है। बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडर के लिए, आपने पैटर्न आइडेंटिफाई भी कर लिया तो भी लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज अगर आपका ट्रेड लेट हो गया या फिर आपकी एंट्री गलत हो गई दैट आपको वो रियलाइजेशन नहीं होगा प्रॉफिट का एंड यू विल इवेंचुअली सफर। सो बहुत जरूरी है कि आप राइट मोमेंट के ऊपर ट्रेड ले और इसलिए अर्ली ट्रेड आप ले सकते हो इन दिस ग्रीन कैंडल इटसेल्फ व्हेन यू सी अ वॉल्यूम हायर देन 9:15 की कैंडल का जो रेड का वॉल्यूम है वो लेस है कम है और 9:30 का जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है दैट इज हायर देन द 9:15 कैंडल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको तीन कंडीशंस यहाँ पर मेट हो गई है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इट्स मोर अबाउट ट्रेंड, ट्रेंड को समझना जरूरी है और ट्रेंड के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक पैटर्न काफी दिनों से बन रहा है ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, सो बेसिकली अगर आपको ट्रेड लेना है देन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन बाइंग, यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। सो कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड डेफिनेटली ट्रेड नहीं लेगा, नहीं लेना है। उसी के साथ साथ जरूर याद रखिए ये जो बॉक्स है दिस बॉक्स कैन एक्ट एज अ सपोर्ट इफ प्राइस इज अबव इट and this box can act as a resistance if price is below it. So either of the two is true in this particular case. अगर price इसके ऊपर है तो price इस box को completely break down करके नीचे की तरफ नहीं जा सकती है और अगर price इसके नीचे है तो इसको completely ऊपर की तरफ you know break करके ऊपर नहीं जा सकती है। Either the you know virgin CPR will act as a you know resistance and throw price down, और अगर no this will rarely happen but if price comes down this virgin c pair will throw the price up, lekin hamara condition tab met hota hai jab isme se koi bhi ek level ke upar and specially h4 and specially l4 level ke upar jab price aisa massive reversal sign dikhai dega charts ke upar that's when you have to take the trades. to bahut important hai charo conditions ka met hona। फर्स्ट कंडीशन इज कि पूरा का पूरा इंट्राडे का जो आपका लेवल है कैमरिला और सीपीआर का शुड बी वर्जिन इन नेचर, कोई भी लेवल शुड नॉट बी टेस्टेड बाय द प्राइस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। अगर नेक्स्ट दिन या फिर फ्यू डेज के बाद अगर प्राइस इन लेवल्स पे आती है, अगर प्राइस ऊपर है तो प्राइस विल टेक अ सपोर्ट एंड रिवर्स शोइंग अ मैसिव कंफर्मेशन थ्रू कैंडलस्टिक पैटर्न और थ्रू द वॉल्यूम कैंडल। दोनों तीनों कंडीशंस मेट होने जरूरी है एंड अगेन द फोर्थ कंडीशन इज दैट यू ट्राई टू स्टे इन द ट्रेंड, डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड जाके भी आप ट्रेड ले सकते हो बट अगेन यू शुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज एंड यू शुड टेक अगेन ऑल द पॉसिबल कॉन्फर्मेशंस। और दूसरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का एनालिसिस अगर उसमें जोड़ोगे देन यू कैन टेक दोस रिस्की ट्रेड्स एज वेल विद मिनिमम स्टॉप लॉस। यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस है अगर आप ऑप्शन बाय भी करते हो या फिर फ्यूचर बाय भी करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इज नॉट मोर देन 10 to 20 points विच इज ऑलवेज अफोर्डेबल और ऐसे ही ट्रेड्स ट्रेडर ने लेने चाहिए। अगर स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट के ऊपर है और आपकी क्वांटिटी 500-1000 के लॉट्स के ऊपर है
then those stop losses are definitely not affordable. So chota stop loss ka strategies are always the best. Then another most important thing you are doing is aap aaj ke din ka 12th August ke din ke buy zone mein Camarilla L3 L4 ke upar buy kar rahe ho, which is always recommended. Ye bhi aapko ek comfort dega, aapko ek cushion dega, ek confidence dega ki aap low par buy kar rahe ho, ek chote stop loss ke sath buy kar rahe ho aur aapke profit targets honge either the day high or Camarilla H4 level. So yahan par agar aapne 9:30 ko trade liya hai all the way until 9 whatever this time is, almost, dhai, 3 baje tak you can stay in the trade. So that's how the strategy has to be played out. Ab waqt aata hai to backtest this particular strategy. Dekhte hai ki bahut rare pattern hai, sabse pehli baat, lekin ye pattern zaruri nahi hai ki aap sirf indices mein trade kare. Ye pattern aap FNO ke stocks mein bhi trade kar sakte ho, Nifty 500 ke stable stocks mein bhi इस पैटर्न को इंप्लीमेंट कर सकते हो. सो डेफिनेटली ऑन एनी पर्टिकुलर गिवन डे आपको एटलीस्ट एक या दो ऐसे स्टॉक्स डेफिनेटली मिल जाएंगे जिनका यस्टरडे का या फिर फ्यू डेज बिफोर का पूरा इंट्राडे का कैमरिला एंड सीपीआर लेवल्स आर टोटली वर्जिन इन नेचर और प्राइस एक कंफर्मेशन, एक विजुअल कंफर्मेशन के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू और वॉल्यूम कैंडल के थ्रू आपको रिवर्सल साइन को कंफर्म दे रहा है. अगर रिवर्सल ट्रेड्स को डेफिनेटली अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है और पिछले ऑलमोस्ट 12-13 महीनों से मैंने अगर कोई ट्रेड लिया है तो आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड्स ऑफ ऑन अ ट्रेंडिंग डे. आई हैव टेकन एवरी पॉसिबल ट्रेड ऑन अ रिवर्सल ट्रेड. रिवर्सल की एक खासियत है स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इंडाइसेस ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी, देयर आर लॉट ऑफ ट्रैप्स दैट आर क्रिएटेड. तो बुल ट्रैप बेयर ट्रैप की स्ट्रेटजी भी मैंने यूट्यूब के ऊपर शेयर की है और बहुत सारे पैटर्न्स भी है इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में जहां पर आपको पता चलेगा कि रिवर्सल्स आर समथिंग इनएविटेबल. रोज कुछ हो ना हो 80-70% ऑफ द टाइम्स आपको इंट्राडे ट्रेडर बेसिस के ऊपर आपको रिवर्सल्स डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिलते ही रहेंगे. तो जो रिवर्सल्स को प्ले आउट करना जानता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली बेसिस के ऊपर डेफिनेटली प्रॉफिट डेफिनेटली क्रिएट कर सकता है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. आई विल गिव यू सम बैक टेस्टिंग एंड टेस्ट इट इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी. ठीक है, अब देखते हैं कंप्लीटली न्यू पैटर्न. अगर मार्केट में एवरीथिंग कैनॉट बी आइडेंटिकल, थोड़ा सा कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज होता रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके आपको सारे पैटर्न्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रेटजी. अब आता है बैंक निफ्टी की बारी और बैंक निफ्टी में ये दिन है अराउंड 30th of June ईयर 2022. देयर आर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पैटर्न्स. बहुत रिपीटेटिव नहीं है. आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट एक या दो महीने में यू विल गेट एटलीस्ट 3-4 पैटर्न्स इन विच यू कुड बी प्लेइंग आउट सच ट्रेड्स. तो यहाँ पर आप देखोगे 29th ऑफ जून का जो कैमरिला H3 H4 है, जो CPR है और कैमरिला L3 L4 है, वो कंप्लीटली वर्जिन है नेचर में. प्राइस गैप डाउन ओपन हुई है और ऑल थ्रू आउट द डे नीचे की तरफ एक साइडवेज मोमेंटम के साथ ट्रेड करती रही. प्राइस ने एक बार भी इन कैमरल लेवल्स को और CPR लेवल्स को टेस्ट नहीं किया है, टच नहीं किया है और इसीलिए ऑन द नेक्स्ट डे दैट इज ऑन 30th of June प्राइस एक मैसिव, मतलब अनबिलीवेबली मैसिव मैसिव बिग ग्रीन कैंडल्स को बना करके ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है और यहाँ पर आप देखोगे कि कैमरिला H4 को उसने रिएक्ट नहीं किया है बट इट हैज रिएक्टेड टू द वर्जिन CPR. बट अगेन यू आर वेरी एक्टिवली अवेलेबल इन द ट्रेड और आपको जब भी एक मैसिव रिवर्सल मिले, यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल एंड देन अ लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न. अगर मैं चार्ट्स को थोड़ा सा जूम आउट करूँ आपके लिए तो मे बी ये लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न आपके लिए बहुत ही विजिबल हो जाएगा. नथिंग हैज चेंज, मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज की है. The railway track pattern, the volume, the candlestick, time frame, everything is completely identical. So there is nothing to worry. This is a virgin complete intraday zone. Aur is zone ka Camarilla H4 ke upar massive L4 ke upar jaake price ne virgin CPR ko test kiya hai and the price has dropped massively, creating a very convincing left eye right eye pattern. आपको मैंने आपको कहा था आइदर ऑफ द टू कंडीशन शुड बी मेट. यहाँ पर आपको वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है इसलिए यू कैन गो विद द कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन एज वेल. एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ वीक रिवर्सल पैटर्न में यू कैन एंटर एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल और यू कैन ऑल्सो डू अ लेट एंट्री ओवर हियर. आपको ये जानना बहुत जरूरी है प्राइस वोंट डू एवरीथिंग आइडेंटिकल. यहाँ पर आप देखोगे आपका जो लेवल है L4 का जो टारगेट है दैट इज मेट बट दैट इज मेट ऑन द नेक्स्ट डे. तो आप यहाँ पर अगर NRML पोजीशन लोगे, BTST पोजीशन लोगे, अगर आपने यहाँ पर एंट्री भी की है, यू जस्ट हैव टू स्टे पेशेंट. प्राइस ने एक मैसिव मोमेंटम के साथ, इफ आई हैव टू गिव यू यू नो अ सॉर्ट ऑफ अ मूव दैट प्राइस हैज गिवन, वेयर हैज इट बीन, जस्ट अ सेक, ओके हियर इट इज.
यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का, यू नो नॉट 500 पॉइंट लेकिन 450 पॉइंट का फॉल आपको मिला है थ्रू दिस पर्टिकुलर पैटर्न। अब उसी के साथ साथ थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग, लुक एट दिस ब्यूटिफुल पैटर्न एंड द वे एंड द रीजन इट इज नेवर चेंजिंग। यहाँ पर आप देखोगे कि 20th of July का जो निफ्टी का चार्ट है, अगेन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, नथिंग हैज चेंज इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स। 20th of July का जो चार्ट है उसमें यू हैव अ वर्जिन इंट्राडे जोन, सारे लेवल्स कैमरेला H3, H4, L3, L4 एज वेल एज द CPR इज कम्प्लीटली वर्जिन इन नेचर। निफ्टी के ऊपर आपको थोड़ा सा यू नो क्वाइट एंड स्लो मूविंग ट्रेड्स मिलेंगे सर्टेनिटी के साथ, थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम होगा। सो निफ्टी इज ऑलवेज माई प्रिफर्ड स्क्रिप्ट टू ट्रेड इन इंट्राडे, स्पेशली इफ आई एम डूइंग स्कैल्पिंग, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी एंड देन आई एम लुकिंग फॉर कन्फर्म ट्रेड्स। और उसी के लिए आप अगर देखोगे कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन के बाद इवेंचुअली प्राइस हैज कम डाउन टू दिस लेवल एंड द ब्यूटी विथ विच इसने H4 को यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड टेस्ट किया और अगेन अ ब्यूटीफुल लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न। लुक हाउ कंसिस्टेंटली एवरीथिंग इज रिपीटेबल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आई एम गिविंग यू द सेम कैंडलस्टिक पैटर्न, नथिंग एवर चेंजेस। ये लेफ्ट आई है, दिस इज द नोज, द ग्रीन कैंडल इज द नोज, दिस इज द राइट आई जो लेफ्ट आई के यू नो हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रही है विद कन्विक्शन के साथ। मैंने आपको अगेन कहा था वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों में से एक कंडीशन मेट होनी जरूरी है। यहाँ पर भी वॉल्यूम की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है आपको, बट यू हैव डेफिनेटली गॉट अ लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न। यू आर बाइंग एट एक्सट्रीम बॉटम और आपका जो टारगेट है H4 का उसके ऊपर प्राइस हैज गॉन एंड गॉन ऑल द वे अप टू प्रीवियस डे हाई। तो प्रीवियस डे हाई या H4 आर द टू टारगेट्स दैट यू कुड एम फॉर। दोनों में से जो भी टारगेट आपको मिलेगा डू टेक इट। ऐसे ट्रेड्स जो है दीज आर द विनिंग ट्रेड्स, दीज आर द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। अगर आप हफ्ते में एक भी ऐसा ट्रेड कर लो तो आपको पूरा हफ्ता ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। इन सारे ट्रेड्स में द बेस्ट पार्ट इज कि आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कंप्लीटली अफोर्डेबल होगा, कन्विंसिंग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देर इज नो फर्दर ट्रेड्स दैट कुड बी ट्रिगर्ड। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ देन देर इज समथिंग दैट इज ड्यूबियस और समथिंग दैट इज you know not confirmed and you don't take any other trade, aapka stop loss hit hona in sare trades mein is a rarest possibility. So please make sure that is pattern ke upar aap research kare aur is pattern ko definitely back test karke definitely implement karne ki koshish zarur kijiyega. H4 level ke upar aur L4 level ke upar ye sare patterns definitely react karenge. अब मैंने आपको और एक एग्जांपल दे दिया बैंक निफ्टी का, जिसमें वो H4 के नीचे थोड़ी सी प्राइस आ गई थी और वर्जिन CPR तक ड्रॉप आउट करके इट अगेन गेव अ मैसिव बाउंस इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो प्रीवियस डे हाई का या फिर कैमरेला H4 का जो लेवल है दैट इज अनकॉम्प्रोमाइज। आपको हमेशा ये लेवल डेफिनेटली प्रॉफिट टारगेट्स के लिए आपको पेशेंटली वेट करना है। किसी भी छोटी मोटी बड़ी कैंडल जो बीच में आती है उसको देखना भी नहीं है, या द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज स्टॉप लॉस लगा के गो अवे फ्रॉम योर कंसोल, कम बैक एट 315 एंड सी व्हाट द ट्रेड हैज डन, द मैजिक, द एक्सपेक्टेशंस और जो आपको यू नो सैटिस्फैक्शन मिलेगा दैट विल बी इमेंस। सो डेफिनेटली इन ट्रेड्स को प्ले आउट करने की जरूर कोशिश कीजिए एंड आई विल गिव यू फ्यू मोर बैक टेस्टिंग इफ नीडेड। ओके, आप स्क्रॉल द चार्ट्स थ्रू और यहां पर आपको मिलता है 30th of May। सो ऑलमोस्ट एवरी मंथ एक या दो ट्रेड्स आपको डेफिनेटली मिल रहे हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। 30th मई का जो इंट्राडे का जोन है, लेट मी टेक माय पेन, 30th मई का जो जोन है कैमरेला H3, H4, L3, L4 वर्जिन, एवरीथिंग इज कंप्लीटली अनटच्ड बाय द प्राइस। और अब क्या करेंगे हम लोग, वेट करेंगे फॉर द प्राइस टू कम बैक टू दिस लेवल्स। बहुत ही ऑब्वियसली और विजुअली कंफर्मिंग ये पैटर्न है, सो यू विल इवेंचुअली नो कि एक दो और दो दिन के बाद एक्चुअली एट यू नो वेरी लेट इन द डे ऑलमोस्ट नो 3 o'clock के आसपास आपको ये रिटेस्ट मिला है प्राइस का और इन लेवल्स के ऊपर प्राइस ने रिएक्ट किया है। यू हैव गॉट अ वॉल्यूम कंफर्मेशन एज वेल और आपको देख रहा है कि आप अगेन द क्वेश्चन इज अगर आपने इस दिन का ट्रेड BTST ट्रेड लिया है देन यू कैन स्टे इन द ट्रेड, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो भी द नेक्स्ट डे यू कैन गेट इन टू द ट्रेड एग्जैक्टली एट 9:15 व्हेन द रीटेस्ट हैपेंस ऑफ दिस लेवल्स। और यहाँ पर एक वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ आपको एक वीक रिवर्सल पैटर्न मिला है। आज आपको लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न नहीं मिला है और एक वीक रिवर्सल के साथ, दो आपको लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न उस प्रीवियस डे डेफिनेटली मिला है, बट द नेक्स्ट डे यू हैव सीन अ ब्यूटीफुल वीक रिवर्सल पैटर्न एंड द प्राइस हैज यू नो गॉन ऑल द वे टू कैमरेला H4। सो कैमरेला H4 या फिर प्रीवियस डे हाई का लेवल जो भी पहले आता है वहां पर आपके प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। इट इज द मोस्ट सिंपलिस्टिक और विजुअली भी आइडेंटिफाई करना इन स्ट्रैटेजीज को बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सिंपल है. उसी के साथ साथ इट इज ऑलवेज रिएक्टिंग टू कैमरा एच फोर लेवल. इन रेयर सिनेरियोज इट वुड हैपन दैट यू नो अगर एल फोर है, एंड अगेन मैं ट्रेंड के साथ ही हमेशा जा रहा हूँ, यू वुड सी हाउ मैसिव दिस यू नो अपस्विंग इज. यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन हुआ है एंड अगेन द मैसिव अपस्विंग इन द हायर डायरेक्शन. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पैटर्न. ट्रेंड में रहना है, वॉल्यूम या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लेना है, उसी के साथ साथ वर्जिन जोन को ट्रैक करना है. देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. और एक वेरिएशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगेन निफ्टी का चार्ट है. मार्केट इज सॉर्ट ऑफ लुनेटिक इन नेचर, थोड़ा मंकी अराउंड करता है. इट्स नॉट दैट कि सब कुछ एग्जैक्टली यू नो वैसा ही होगा, आइडियल सिचुएशन होगी. थिंग्स विल ऑब्वियसली कीप चेंजिंग. आपको बस आपके चार कंडीशंस को याद रखना है. जब भी चार कंडीशंस मेट हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस के साथ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूशन इज द की, एग्जीक्यूशन इज अ डिफरेंट आर्ट. वहां पर कन्विक्शन को डेवलप करना जरूरी है, लेकिन कन्विक्शन इजिली क्रिएट किया जा सकता है. अंदर से कन्विक्शन आता है, कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू रिलाय ऑन सर्टेन नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स. जो भी कॉन्स्टेंट होगा, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कन्फर्मेशन के साथ बैक टेस्टिंग में आपको एक सर्टेनिटी दे रहा है, उन सारे ट्रेड्स को आप एग्जीक्यूट कर पाओगे. सो दिस इज वन लास्ट एग्जाम्पल आई विल गिव, एंड अगेन मे बी इफ नीडेड इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट्स में, अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली और एक वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूं. लेकिन आपको भी आपकी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करनी है. अगेन एक लास्ट वेरिएशन लेकर लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो. बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है ये भी, हाउ बीटीएसटी ट्रेड्स कुड बी प्ले आउट. तो आप यहां पर देख रहे हो 18th ऑफ अप्रैल को अपना सिनेरियो क्रिएट हुआ है. 18th ऑफ अप्रैल के सारे लेवल्स, द कंप्लीट इंट्राडे जोन ऑफ पिवोट्स इज अनटच्ड बाय द प्राइस, टेस्टेड नहीं है. यहाँ पर कैमरेला H3, H4, L3, L4 एज वेल एज CPR इज कम्प्लीटली वर्जिन इन नेचर. और इन लेवल्स को अगर मैं एक्सटेंड करूँ H4 को, यू वुड सी इन दिस वन पर्टिकुलर डे आपको कोई भी कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन नहीं है. आई जस्ट जूम द चार्ट. बहुत ये समझना बहुत जरूरी है कि सारे कंडीशंस, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड द कंडीशंस. यूजुअली मेरे सारे स्ट्रेटजीज में, और जो भी अगर मेरा ट्रेनिंग कोर्स लिया हुआ है, दे वुड नो दैट आई क्रिएट मैक्सिमम कंडीशंस. एटलीस्ट अगर मैं बर्थ ऑफ बुल रन या नो डेथ ऑफ अ बुल रन या फिर बर्थ ऑफ अ बेयर रन के ट्रेड्स भी लेता हूँ, तो उसमें 6 कंडीशंस है फॉर अ स्विंग ट्रेड और अ पोजिशनल ट्रेड टू बी एग्जीक्यूटेड. तो वो सारे 6 कंडीशंस मीट होने जरूरी है बिफोर यू कुड एग्जीक्यूट द ट्रेड. अभी सबसे ज्यादा कंडीशंस ऐड करने का ये है कि ट्रेडर इज लुकिंग फॉर डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस, और सारे कंडीशंस अगर मेट हो रहे हैं देन ओनली यू विल टेक द ट्रेड. प्लस अगर आपके पास 6 या 7 स्टॉक्स है, उसमें यू विल ओनली टेक दैट वन ट्रेड जिसमें सारे 6 के 6 कंडीशंस मीट हो रहे हैं. तो टू ऐड कंडीशंस इज टू मेक द ट्रेडिंग डिफिकल्ट इन अ वे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू एग्जीक्यूट लॉट ऑफ ट्रेड्स. ट्रेड सिर्फ वही एग्जीक्यूट करने हैं जो हाई कन्फर्मेशन के साथ एक बेस्ट एंट्री को डिपिक्ट कर रहे हैं. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट्स व्हाई वी हैव 4 कंडीशंस इन हियर. याद रखना, यहाँ पर दोनों कंडीशंस के यू नो इंपॉर्टेंट देखना जरूरी है. सबसे पहले यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर. काफी दिनों से एक वाइड आरटीपी के साथ प्राइस नीचे की तरफ रैली कर रही है, और यहाँ पर कैमरेला L4 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. मैंने आपको कहा था ट्रेड के साथ. प्लस अगर प्राइस इज वर्जिन जोन के नीचे होगी, देन दिस वर्जिन जोन इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू द प्राइस. अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर होगी, वर्जिन जोन के ऊपर होगी, देन इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट. सो एवरीथिंग इज विजुअली अंडरस्टैंडेबल, राइट? आरटीपी को देखना है, एक डाउन स्विंग को देखना है. अगर प्राइस इज वर्जिन जोन के नीचे है, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. अगर प्राइस इस वर्जिन जोन के ऊपर है, इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट. और मोस्टली कैमरेला L4 और कैमरेला H4 जो आउटर लेवल है इस बॉक्स का, दैट इटसेल्फ शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड शुड थ्रो द प्राइस इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस काफी यूजुअली क्या होगा, इनिशियल 9 से लेकर 10 के बीच में प्राइस विल रिएक्ट टू दिस जोन्स एंड गिव एंड स्टे ट्रेंडिंग एंड विल टेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्जिन जोन एंड गिव यू अ मैसिव सक्सेसफुल ट्रेड ऑन इंट्राडे बेसिस. लेकिन अगर प्राइस बहुत लेट हो रही है, 2:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद इस जोन में एंटर कर रही है, तो बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस रिएक्ट करे. इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी. प्राइस डेफिनेटली रिएक्ट इस लेवल पे भी कर रही है, बट दिस इज अ बेटर ऑफ अ बीटीएसटी ट्रेड. तो यहाँ पर आप बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हो, या फिर अगर आप कल दूसरे दिन अगर मैसिव गैप डाउन देखते हैं, देन यू कैन ऑल्सो टेक अ ट्रेड ऑन अ गैप डाउन पोजिशन ऑन अ बीटीएसटी लेवल. एंड अगेन यू कैन एम फॉर दिस पर्टिकुलर L4 लेवल एज योर टारगेट लेवल, जो नेक्स्ट L4 है, क्योंकि ये L4 तो ऑलरेडी हैज बीन स्किप्ड बाय द प्राइस थ्रू गैप
gap down. So you can look for next L4 as your target. Again, 2-day trade hai. It is a sort of a micro swing trade, but again, it will give you a massive profit targets. यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो काफी अफोर्डेबल होगा, छोटा होगा, एंड यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. इस ट्रेड को जरूर एग्जीक्यूट कीजिए विद स्मॉलर क्वांटिटीज. और ये एक ऐसा यूनिक पैटर्न है जो बहुत रिपीटेबल नहीं है. डेली बेसिस के ऊपर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाई नहीं देगा. एक महीने में एक या दो बार होगा मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स. बट इस पैटर्न को आपने आपके जहन में रखना, इस पैटर्न के ऊपर माइक्रो स्विंग ट्रेड्स लेना, बीटीएसटी ट्रेड्स लेना बहुत जरूरी है. अगर आप इन कैमरल लेवल्स के नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, देन ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग वर्थ वाइल एंड नथिंग रिलायबल इन द स्टॉक मार्केट एज रिलायबल एज कैमरेला पिवोट्स आर. बहुत लोगों को कंफ्यूजन है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है दैट माई expertise are in CPR. There are rarely any trades I take on CPR levels. All of my study, I don't even plot CPR on my intraday charts. क्योंकि कैमरेला को देखकर, कैमरेला की विड्थ को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्राइस इज गोइंग टू बी साइडवेज और इट इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग. सो कैमरे लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली फोकस कीजिएगा. अगर आपको रिसर्च करना है, मेरे रिसर्च से जुड़ना है, तो डेफिनेटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर उस लिंक पे जाके देखिए एंड लुक एट द वंडरफुल रिव्यूज. मोर देन 500 पॉजिटिव माइंड ब्लोइंग रिव्यूज है जो काफी इंस्पायरिंग है. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द ट्रेडर्स who have been super satisfied with my training programs. Bahut hi affordable price ke upar training program hai, lifetime support ke sath aata hai. If you want to, there is no compulsion. Agar aapko training program se associate nahi hona hai, but still if you have something interesting in your doubts, agar doubts kafi interesting hoga इन लेवल्स के ऊपर, आपके पास कोई रिसर्च होगा जो मेरे साथ आप शेयर करना चाहते हो, कोई ऑब्जर्वेशंस होंगे, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी पैटर्न के ऊपर बैक टेस्टिंग करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो एंड आई विल डू द हार्ड वर्क फॉर यू. लेकिन इंटरेस्टिंग डाउट्स लेके आना बहुत जरूरी है. सो वेरी वेरी थैंकफुल. आई गेस दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव फॉर अ लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम. इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड जरूर कीजिएगा. कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना इफ यू नो बैक टेस्टिंग इज गिविंग यू द रिजल्ट्स दैट आई हैव शोन यू ऑन द चार्ट्स. एंड स्टे कनेक्टेड. आई विल सी यू वेरी सून विद अ माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजी दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन अ वर्जिन सीपीआर दैट इज बीन स्किप्ड बाय अ गैप अप एंड अ गैप डाउन ओपनिंग. बहुत जल्दी ये वीडियो भी आने वाला है. आई विल स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी कनेक्टेड विद यू ऑल यू गाइस. थैंक यू सो मच गाइस. सी यू सून.